हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स का पोर्टल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमें रिटर्न्स फाइल करने हैं, जो भी हमारी कंप्लाइंसेस करनी है और बहुत सारे फॉर्म हमें जो फाइल करने हैं उनकी ड्यू डेट नजदीक आती जा रही है या अबाउट टू एक्सपायर है, लेकिन हम उनको फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसके संबंध में हम देखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि आज 29 अगस्त 2021 को सीबीडीटी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया, सीबीडीटी एक्सटेंड्स ड्यू डेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें इन्होंने बहुत से फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड की है। देखते हैं, ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफिकल्टीज रिपोर्टेड बाई द टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सर्टेन फॉर्म्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें आइए सीधे चलते हैं कि डेट्स कौन कौन सी एक्सटेंड की गई हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 10(23)(c), 12A(35)(1)(ii)(33) और 80G। अब 80G से रिलेटेड जो फॉर्म नंबर 10A है, इसको फाइल करने के लिए सबसे पहले डेट एक्सटेंड हुई थी 30 जून, उसके बाद 31 अगस्त 2021 और फाइनली अब डेट 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यानी फॉर्म नंबर 10A फाइल करने के लिए डेट अब 31 मार्च 2022 हो चुकी है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 10(23)(c), 12A और 80G। इसके लिए जो फॉर्म प्रेस्क्राइब है, फॉर्म नंबर 10AB, इसके लिए जो 28 फरवरी 2022 की डेट थी उसको और एक्सटेंड करते हुए 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर देखते हैं जो डेट एक्सटेंड की गई है, द इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1, जो कि फॉर्म नंबर 1 में फाइल होता था, ये ऑन आर बिफोर 30 जून 2021 थी। इसको फिर एक्सटेंड किया गया 31 अगस्त 2021 के लिए और फाइनली ये एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 के लिए। यानी फॉर्म नंबर 1 के लिए अपडेट है 31 दिसंबर 2021। इसी तरह से हम देखते हैं द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC में, जिसकी डेट 15 जुलाई 2021 थी और उसके बाद 31 अगस्त 2021 की गई और फाइनली डेट 30 नवंबर 2021 कर दी गई है, जैसा कि इस प्रेस रिलीज में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC। अब इसमें देखते हैं कि डेट इन्होंने एक्सटेंड करके क्या कर दी है, September 2021 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन आर बिफोर 15 अक्टूबर 2021, जो कि 15 अक्टूबर 2021 थी उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसिपिएंट्स इन फॉर्म नंबर 15G/15H ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021। तो इसके लिए 15 जुलाई 2021 थी, फिर इसको बढ़ाया गया 31 अगस्त 2021 तक के लिए और फाइनली अब इसको बढ़ा दिया गया 30 नवंबर 2021 तक के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसिपिएंट्स इन फॉर्म नंबर 15G/15H और ये था क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 के लिए। इसकी डेट थी 15 अक्टूबर 2021, जिसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद हम देखते हैं इंटीमेशन टू बी मेड बाई द सॉवरेन वेल्थ फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाई इट इन इंडिया इन फॉर्म नंबर 2nd SWF। ये क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021 के लिए डेट थी 31 जुलाई 2021, जिसको बढ़ाया गया 30 सितंबर 2021 तक के लिए और अब बढ़ा करके कर दी गई है 30 नवंबर 2021। इसके बाद देखते हैं इंटीमेशन टू बी मेड बाय सॉवरेन वेल्थ फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इट इन इंडिया इन फॉर्म 2nd SWF। ये क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 के लिए, इसके लिए डेट थी 31 अक्टूबर 2021,
जिसको अब बढ़ा करके कर दिया है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद देखते हैं इंटीमेशन टू बी मेड बाई ए पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड बाई इट इन इंडिया इन फॉर्म नंबर 10BBB फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून 2021, यानी 31 जून 2021 को जो क्वार्टर एंड हो रहा था उसके लिए 31 जुलाई 2021 थी, फिर इसको बढ़ा करके किया गया 30 सितंबर 2021 और अब इसको कर दिया गया है 30 नवंबर 2021। इसके बाद देखते हैं इंटीमेशन टू बी मेड बाई ए पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड बाई इट इन इंडिया इन फॉर्म नंबर 10BBB फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021 को जो क्वार्टर एंडिंग थी उसके लिए डेट थी 31 अक्टूबर 2021, जिसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद देखते हैं इंटीमेशन बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप द पेरेंट एंटिटी ऑफ विच इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, इसके लिए जो फॉर्म नंबर 3CEAC था उसको अपडेट कर दी गई है। इसकी डेट थी 30 नवंबर 2021, जिसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद देखते हैं रिपोर्ट बाय अ पेरेंट एंटिटी और एन अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया, इसके लिए फॉर्म नंबर 3CEAD जो फॉर्म था उसकी डेट थी 30 नवंबर 2021, जिसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद इंटीमेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजो 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 286, ये फॉर्म था फॉर्म नंबर 3CEAE, जिसकी डेट थी 30 नवंबर 2021, जिसकी अपडेट कर दी गई है 31 दिसंबर 2021। अब इसी से संबंधित CBDT सर्कुलर नंबर 16/2021 इन फाइनेंस नंबर 225/49/2021 IDA सेकंड डेटेड 29 अगस्त 2021 इश्यूड द सेट सर्कुलर विल बी अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स साइट पर, ये सर्कुलर आपको अवेलेबल है, वहां पर जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो इस प्रेस रिलीज के माध्यम से किया, इसका सर्कुलर भी आ गया है और इस प्रेस रिलीज में बहुत सारी डेट एक्सटेंड की गई हैं, इनको आप देख सकते हैं कि कौन से फॉर्म से रिलेटेड आपकी कौन सी डेट है, उसके हिसाब से ही आप फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान थे लोग 80G वाले कि 80G के लिए डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है और रिटर्न फाइल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो फाइनली अब सभी के लिए ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसा कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR के संबंध में बात की जा रही थी, उसके संबंध में अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, जैसे ही उसकी सूचना मिलती है आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। थैंक यू।